चलो स्टार्ट करते हैं लिखोगे रेश्यो एनालिसिस और सर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है फाइव टू टेन मार्क्स आता था अब पता नहीं एनालिसिस क्यों पढ़ते कंपैरिजन के लिए ठीक है और और भी बहुत सारे वजह है पर मेन कंपैरिजन के लिए कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी टेन परसेंट है और सामने वाली कंपनी का पंद्रह परसेंट है तो वो अच्छा तो इस तरह से कंपैरिजन इसमें कुछ रेशियो पढ़ना फर्स्ट जो रेशियो पढ़ोगे कैटेगरी में डिवाइड कर देते वही जो आई ने किया है सी सी पर तो फर्स्ट लिखोगे आप लिक्विडिटी रेशो लिक्विडिटी रेशियो या इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सेकेंड क्या ये कैटेगरी काम आएगी नहीं अच्छा लगना चाहिए इसलिए लिख रहा है ठीक है कुछ काम नहीं आने वाला जो लिखवाने वाला अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाना है ना यार आगे लिखोगे लेवरेज या इसी का नाम है लॉन्ग टर्म शॉल एक्टिविटी रेश्यो एक्टिविटी रेशो का नाम लिखना चाहते हो देखो परफॉर्मेंस रेशो परफॉर्मेंस रेश्यो इसी को बोलते टर्नओवर ओवर इसी का नाम है टर्न ओवर रेशो तो वो भी लिख लो टर्न ओवर रेशोटेबिलिटी क्या रेशो हमको याद करना पड़ेगा एक भी फॉर्मूला याद याद कुछ नहीं करना है एक बार समझ लेते बस रटोगे तो फिर रटके होने वाला नहीं फर्स्ट लिखोगे लिक्विडिटी रिश्व लिक्विडिटी मतलब आपके पास कितना है कितना आ सकता है और आपको कितने का पेमेंट करना है तो उसमें पहला रेशियो है करंट रेशियो करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है करंट करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इसको एक्सप्लेन करूं करंट एसिड में क्या क्या आता है करंट लाइबिलिटी में क्या आता है भाई टाइम पास मत करना ठीक है इन सब में कुछ नहीं रखा है कितना होना चाहिए वैसे ज्यादा की कम ट्विस्ट टू वन ना ज्यादा ना कम ट्विस्ट दूसरा कौन सा रेशो है या इसी का नाम क्या है लिक्विड रिश्वत इसी का नाम क्या है एसिड फॉर्मूला लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी वो ये बताना चाहता है भाई करंट एसिड्स में हर सामान का पैसा तुरंत नहीं मिलेगा आपको क्या कैश का पैसा कैश तो कैश ही है क्या बैंक भी तुरंत है हमारे पास यस क्या डेटर से पैसे मांगे जा सकते हैं अभी हाँ मांगे जा सकते हैं स्टॉक को अभी के अभी बेचा जा सकता है प्रॉफिट पे नहीं बेच सकते ऐसे में तो बिजनेस अगर ऐसा बेचना होता तो आज ही बेच देते ना बात समझने की कोशिश करो स्टॉक अभी पैसे की जरूरत है तो स्टॉक उतने में नहीं बिकेगा सेलिंग प्राइस पे आपको लॉस में बेचना पड़ेगा इट मींस यहां बोले आप पूरा करंट ऐसे ठीक है लेकिन कुछ पैसा जैसे माइनस स्टॉक का पैसा तुरंत नहीं आ सकता लॉस में बेचना पड़ेगा तभी होगा और सेलिंग प्राइस पे बिक नहीं सकता माइनस और एक क्या था प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम सुना है कभी प्रीपेड क्या होता है जैसे सैलरी मान लो मैंने आपको पहले दे दिया करेंट एसिड का मतलब करेंट एसिड का मतलब पैसा आ जाता है से प्रीपेड का मतलब किसी को मैंने सैलरी दिया मैंने कहा अभी अभी के सर्विस कर दो वो तो करेगा नहीं मैं कहता तो, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस से पैसा रियलाइज नहीं होता है अभी नहीं हो सकता बाकी काम करवा के बाद में कर सकते दो चीजें छोड़ देना प्रीपेड एक्सपेंसेस आता ही नहीं एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो गया मेन करंट एसेट माइनस स्टॉक दैट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी और लिखा है ये कितना होना चाहिए वन इज टू वन ऐसा बोला जाता है थर्ड एक होता है कैश रेश जो कभी काम नहीं आता पर लिख लो कैश रेश हाँ 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 कैश रेशो कैश रेशो का मतलब क्या समझते हैं क्या लगता होगा आपको पहला करंट रेशियो में से करेंट एसिड लिया उसमें से स्टॉक हटा दिया अब कैश रेशियो का मतलब क्या लग रहा है कैश एंड बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आता है ऊपर ठीक है डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी एंड लास्ट इसी में फोर्थ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ करंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी ये रेशियो नहीं आता है पूछा नहीं जाता है आपके क्वेश्चन में तो तीन चीज याद रखना भाई और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा चुक नहीं सकता चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करंट रेशियो विक रेशो और वर्किंग कैपिटल देखोगे एग्जाम अब देख लो अब मैं यहां खेल खेलूंगा बस आपको ठीक ठाक से समझना पड़ेगा एक देखोगे एग्जाम्पल नंबर वन स्टॉक लेटर्स तीन लाख और कैश कितना कर दे पाँच लाख टोटल कितना है दस और करंट लाइबिलिटी में लेते हैं क्रेडिटर्स लाख पचास हजार ठीक एक तो आपको निकालना है करेंट रेशियो दूसरा निकालना है लिक्विड रेशियो और तीसरा निकालना है वर्किंग कार्प करंट रेशो कितना है लिक्विड रेशो टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू पक्का ना ठीक है कहीं गड़बड़ हो गया था क्या देखोगे एग्जाम्पल नंबर टू करंट रेशियो फोर इज टू वन लिक्विड रेशियो कितना था टू वन वर्किंग कैपिटल कितना था तो कितना था क्वेश्चन मार्क चलो अच्छा लिख भी दिया दो लाख क्या बात <laughs> <laughs> याद रखना इसका तो बता ही दोगे अगला तो फिर मैं ये वाला दूंगा ही नहीं अगला तो कुछ और ही फिगर दूंगा तो अभी सोच समझ के निकालना जैसे भी निकालोगे मैं भी तो देखू क्या जुगाड़ लगाते <laughs> हो गया, हो गया वापस नहीं करवा सकता वैसे अच्छा भी तो रेशो सभी लोगों से बनता है या तुम्हें होमवर्क दे देता था आपके लिए बाकी लोगों के पिक्चर मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी ना यार आप कैसी बात कर यहाँ ये हो गया अभी सुनो क्योंकि ये पता था अब दो ऑप्शन है आपके पास या तो एक्स लगा के करो या तो डायरेक्ट करो देखते टाइम में कितना अंतर आ जाता है जिसको एक्स लगा के करना वो एक्स लगा के करेगा जिसको डायरेक्ट तो लिखोगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल <laughs> <laughs> करेंट रेशो तो फाइव वन स्टॉक कितना सॉरी वर्किंग कैपिटल कितना oh. और रेशु। लिक्विड रेशो वन। दिख रहा होगा आपको. है चार लाख तो वर्किंग कैपिटल कितना और सुनो करेंट एसेट कितना और सुनो करेंट लाइबिलिटी कितना बस इतना ही बहुत बिना पेन चलाए कोई बता सकता है क्या? बिना पेन चलाए। चार लाख स्टॉक है, डिवाइड किससे होगा? One point six into किससे होगा? Four. दस लाख रुपए वर्किंग कैपिटल कोई काट नहीं सकते इस बात को। फिर से क्या निकालना करेंट अशी। चार लाख डिवाइडेड बाय one point six into पाँच नहीं मैं करेंट एसिड बोल रहा हूँ ना इंटू पांच बारह लाख पचास हजार माइनस दस लाख तो तो अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो चार लाख जैसे चाहो वैसे कर लो यार रीशो ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ यही तो रीशो है करेंट लाइबिलिटी कैसे निकालोगे बताओ या फिर जैसे कर रहे थे चार लाख डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू वन इंटू वन नहीं भी करो तो चलेगा तो बोलो कितना दो तो लाख पचास हजार कोई रोक नहीं सकता इसको ये समझ में आना जरूरी है मैं रेशियो का ही यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर करंट एसेट मैंने ऐसे लाए स्टॉक मालूम है चार लाख जो कितना है 1.6 करंट एसेट कितना है पांच अब भूल के बिना एक्स लेने का दिल नहीं करेगा छोड़ो ना सर ये तो निकल गया फटाफट से हो गए दूसरा रिस्क खत्म लिक्विडिटी रिस्क इसमें क्या पढ़ाऊँ मैं तब बैलेंस शीट आई थी ना सामने तब मजा आएगा चलो फिर करते सेकंड लिखोगे नहीं एग्जांपल नहीं भाई खत्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में तो भूल जाता लॉन्ग टर्म शॉल्व एक्चुअली ना है क्या जैसे करंट एसिड करंट लाइब्रिटी ये क्या बताता है यार एक साल के अंदर अंदर पैसा आएगा उसको हम किस तरह से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब नॉन करंट लाइब्रिटी अभी करंट लाइब्रिटी की बात अब किसकी बात करेंगे नॉन करंट लाइब्रेटी लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी इससे रिलेटेड रेशियो ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपका फेवरेट डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बोलो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा एक जहां इक्विटी का मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड कितना होना चाहिए ये रेशो कहना क्या चाहता है जितना इक्विटी है उससे उससे ज्यादा रख सकते हैं क्या ज्यादा रखने से दिक्कत क्या है तो रिस्क ज्यादा है कम रख सकते हैं क्या नहीं हमारा जो है ऑप्टिमम रेशियो क्या है यही है इससे कम चलेगा इससे ज्यादा नहीं चल सकता ठीक है लेकिन करंट रेशियो में ऐसा नहीं था करंट रेशियो में टू इच टू वन फिक्स था इससे कम भी नहीं चलेगा इससे ज्यादा भी नहीं चलेगा याद है ना यार करेंट रेशियो मैंने करवाया था सेकेंड बार एक होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो बहुत ज्यादा यूज होता इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है डेड इक्विटी रेशियो तो पता नहीं लॉ वगैरह सब में पढ़ा हुआ कैपिटल गियरिंग रेशियो बच्चों को नहीं आता है और मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको याद हो सुन 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 लो 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 भाई सुन लो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पांच लाख ध्यान से समझना कैपिटल कितना मान लो दो लाख और डेट ले लेते हैं दस लाख में जाएगा तेरह लाख रुपए ले लेते ठीक तो टोटल मिलाकर ये कितना है तेरह दो पंद्रह पाँच बीस लाख ठीक है इसमें ऐसी कौन सी कैपिटल है जिस पे आपको फिक्स देना ही पड़ता है फिक्स नहीं देना पड़ता है देना पड़ता है भाई कैपिटल पहले इसने रेट लिखा रहता है ना इसका मतलब फिक्स देना पड़ता है इसलिए मैं सुबह क्लास में फिक्स फिक्स इनको भी देना पड़ता है इनको भी देना पड़ता फिक्स है आपको देना पड़ेगा हालांकि यार प्रॉफिट नहीं होता अगले साल देना पड़ेगा यहाँ टोटल जो पैसा लगा है अगर मैं कहूँ एसेट की बात या फिर सीधी सीधी बात करो ये टोटल एसेट है टोटल हमारा हमारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ पांच लाख टोटल कितना है कैपिटल इंप्लॉयड बीस लाख तो मुझे बस इतना बताओ ये किसका पैसा इस पे हमको फिक्स देना दूसरों का पैसा और ये कौन सा हमारा अच्छा। पैसा बोलो कितना है रेशियो से बता सकते हो कि थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा कितना है पंद्रह डिवाइडेड बाय फाइव करो पंद्रह डिवाइडेड बाई फाइव पी पी क्या बता रहा है जितना हमारा पैसा लगा है उससे तीन गुना ज्यादा फाइव और एक है टू कौन सा रेशो अच्छा है मालवी रोड देखा मालवी रोड मार्केट मान दो शाम का समय है और वहां गाड़ी चलाना है आपको तो, तो गियर क्या रहेगा फोर फाइव गियर वाली गाड़ी कभी तो चलाया नहीं होगा या वन टू वन टू 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 ठीक और हाईवे पे जा रहे हैं सुनो 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 <laughs> हाईवे पे जा रहा हूं ओ भाई इट मीन्स गियर कितना होना चाहिए किस पर डिपेंड करता है इकोनॉमी सब स्लो चल रहा है रेसिशन है सब स्लो तो गियर क्या होना चाहिए कम कैपिटल गेयरिंग गेयर कम या खुद का पैसा दूसरों से क्यों ले रहा है बर्बाद हो जाओगे आप वैसी ही रजिस्ट्री चल रहा है और अगर इकोनॉमी बूम है तो खुद के पैसों पर कमाओ दूसरे का भी लूटो उस पर भी कमाओ रजिस्ट्रेशन चल रहा है ना यार सॉरी बूम चल रहा है इकोनॉमी बूम है तो खूब कमाओ तो गेयर क्या होना चाहिए टॉप हमें हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका आई कुछ नहीं करता है क्वेश्चन दे देता है फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन बना बस ये सब कहाँ काम आने वाला है तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है फॉर्मूला कुछ बड़ा सा फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है फिक्स्ड इनकम कैपिटल डिवाइडेड बाय फ्लक्चुएटिंग इनकम बियरिंग कैपिटल सिंपल लैंग्वेज में बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्विटी में तो रिजर्व होता है तो वही लिख लेते हैं और रिस्क कब ज्यादा होगा जब गियरिंग रेशियो रिस्क कब ज्यादा माना जाता है जब गियरिंग रेशो ज्यादा की कम ज्यादा भाई ज़्यादा डेट मतलब ज्यादा रिस्क थेक। थेक। हमें फॉर्मूले से मतलब है फॉर्मूला लिखोगे गेयर क्या फॉर्मूला बना हमारा इक्विटी शेयर नहीं ऊपर क्या आएगा कैपिटल प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा रट्टा ना मारना पड़े फॉर्मूला ये आपको पता मैंने एक्सप्लेन नहीं किया करंट रेशो और ये सब एक्सप्लेन नहीं करूँ ये जरूरी था ये पहली बार सुन रहे हो कि हो सकता है हालांकि ऐसा तो है नहीं सुना तो हो शब्द यूज होता प्रोप्राइटरी रेशो तो समझते hmm. मैं पूछूंगा क्या कहना चाहता है आपको बताना पड़ेगा प्रोप्राइटरी फर्म का मतलब होता है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आता है प्रोप्राइटर्स और रिजर्व एंड hmm. सरप्लस और इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है याद रखना अब बस इतना बताओ ये कहना क्या चाहता टोटल एसेट प्रोपर्टी मान लो ये निकला .0.6 क्या कहना चाहिए मतलब यार हमारा बिजनेस में हमारी कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है टोटल एसेट उसका 60 परसेंट किसका हक है पक्का ऑनर का और 40 परसेंट कहां से उठाया होगा अपने डेट से यही कहना चाहता कि देखो हमारा कितना शेयर हम कितने परसेंटेज के लिए प्रोपराइटर ये याद करना ये रेश्यो यूज होता है आगे लिखोगे इंटरेस्ट कवरेज रेट याद करो एक इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो सबसे पहले लिखते थे ईवीआईटी उसमें से क्या माइनस करते थे इंटरेस्ट और फिर क्या आ जाता था एबीटी उसमें से कुछ टैक्स वैक्स माइनस करते थे ये इंटरेस्ट सपोज ये इंटरेस्ट है बीस हजार और ये है हमारा ई वी आई एक लाख कवर कौन कर रहा है इंटरेस्ट को कवर कौन कर रहा है ईवीआईटी मेरा बस इतना कहना है कि यार हमको देना बीस हजार और हम कमा कितना रहा कितने गुना ज्यादा है हमारे पास पैसे पांच गुना ज्यादा तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट को बोलते इंटरेस्ट कवरेज रिश्व इंटरेस्ट को कवर कौन कर रहा है ई तो फॉर्मूला क्या बन गया है इंटरेस्ट कुछ है नहीं है मैं तो कुछ भी बोलो आप बता दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो का फॉर्मूला बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज प्रेफरेंस डिविडेंड डिविडेंडी वाह हो गया डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड ठीक सर आप कुछ भी पूछ लो कोई भी कवरेज बोलो हम अभी बता दे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो एटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड ऐसा आया नहीं है ठीक एटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा ठीक तो हमारे लिए इस काम इस की चीज हाँ चल जाएगा चल जाएगा एक ही बात है इन्होंने तोड़ के बोला आपने सीधा बोलती मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादा होना चाहिए कि कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो सोच के बोलना पक्का ना यार हाँ। क्योंकि यार मैं पांच गुना और कोई है जो आठ गुना तो भाई आप तो खूब कमा रहे हो यार तो बस हम ये बोल रहे हैं कि यार इंटरेस्ट को हम कितने बार कवर कर रहे हैं पांच बार तो फॉर्मूला लिखें कैसा यार फॉर्मूला अब तो हम लिख लेंगे इंटरेस्ट को कौन कवर कर रहा है ए बी और एक दिया है मजबूरी में लिखना पड़ रहा है बुक में है डिविडेंड कवरेज रेशो आता नहीं है डिविडेंड कवरेज रेशो ए टी डिवाइडेड बाय पीडी और एक डेट रेशो बोल देता है Six. डेट रेशो डेट इक्विटी अलग है है ना तो सर ऊपर है डेट और नीचे जो लिया है वो लिया है नेट एसेट्स क्या कहना चाहता है ये अब आप समझदार हो गए हो ये बताना चाहता है कि यार नेट एसेट में कितने रुपए का डेट है यूज बहुत कम होता है तो सर हमको कौन कौन सा रेशो याद रखना पड़ेगा आपको डेट इक्विटी रेशो याद रखना पड़ेगा कैपिटल गियरिंग रेशियो याद रखना पड़ेगा प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो चार रेशो आपको याद रखना चलो बढ़िया अभी तो क्या करूं मैं मजबूर हूं मैं सीधा क्वेश्चन उठा के करवा नहीं सकता तो ये तो झेलना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बाद मैंने क्या लिखवाया था एक्टिविटी रेशो ये तो आपको पता है इतना टाइम पास करना था करेंट रेशो लिक्विड रेशो में एक एक दो एग्जाम्पल से वो मैंने कर लिया था कि आपको नींद ना है बोर ना हो पर अब तो ये करवा नहीं पड़ेगा मैं क्या कर सकती रेशो जो बोलना है सर ये नाम आएंगे कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपको तो रेशो देगा बस टर्न ओवर से रिलेटेड जितने भी टर्न ओवर रेशो है अगर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं यार टोटल एसिड मैंने एक एग्जांपल भी दिया था टोटल एसिड हमारा लगा है दो लाख और सेल्स हमारा जनरेट हो रहा है दस लाख सेल्स दो लाख लगा के दस लाख का सेल्स बना रहा है टाइम्स में बता सकते हो? फाइव टाइम्स और किसी और जगह टोटल एसिड लगा है एक लाख और सेल्स हो रहा है सात लाख 7 टाइम्स किसका परफॉर्मेंस अच्छा है ये सेल्स है ये टोटल एसेट वो दूसरा सेल्स है और ये टोटल एसेट सिर्फ एक लाख लगाया 7 लाख 7 टाइम्स और हमारा कितना है 5 टाइम्स कौन सा अच्छा है 7 वाला क्या सिर्फ सेल्स देखकर बता सकते हो कि कौन सा अच्छा अगर सिर्फ सेल्स देखोगे तो क्या लग रहा है ये वाला लेकिन यार आप ये भी तो देखो सिर्फ सेल्स से थोड़ी बता सकते हो सेल्स से बिल्कुल नहीं बता सकते कि सेल्स आपको दोनों चीज देखना पड़ेगा यार कितना लगाकर कितना सेल्स जनरेट हो रहा फॉर्मूला क्या बनेगा सेल्स सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल को प्यार से क्या बोलते हैं तो जितने भी टर्न ओवर रेशियो है ऊपर हमेशा क्या है टर्न ओवर ऊपर हमेशा टर्न चलो मैं लिखवाने से पहले पूछ रहा हूं वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल कैपिटल टर्न

तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बोलो क्या टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट अब यार कभी कभी आईसीए सी ओजीएस ले लेता है तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा वो बताएगा क्वेश्चन में अगर अवेलेबल नहीं होगी इंफॉर्मेशन तो पता लगा सर आपने तो ये बोला था और सर फॉर्मूले में क्या लिखा है आईसीए उन्होंने भी लिखा सेल्स या फिर सीओ जी एस में कुछ आप लोग भी लिख दो सेल्स या सीओ जी एस पर सेल्स ही लिया जाता है ठीक अगर सेल्स नहीं होगा तो कोई ऑप्शन नहीं दूसरा एक सीट टर्न ओवर रेशो सर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या हाँ जी और इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं क्योंकि तो मैं नहीं भी लिखूंगा तो आप बता दू बोलो डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल फोर्थ जो दिल करता है टर्न डेट स्टॉक टर्नओवर ले लेते बस यहां बात याद रखना यहां सीओजीएस डिवाइडेड बाय यहां सीओजीएस है अगर सीओजीएस नहीं मिल पा रहा तो फिर सेल से ले लेना पर सीओजीएस स्टॉक अब एक बार बताओ ये जो टोटल एसेट्स है ये तो कहां का बैलेंस शीट का आइटम है टोटल एसेट हालांकि यहां आप एवरेज ले सकते हो सीओ डिवाइडेड बाय यहाँ मुझको क्या लेना पड़ेगा एवरेज नहीं स्टॉक ये स्टॉक टर्नओवर है ना यार एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड कितने गहरे पानी में। अभी सिर्फ रुकना मुझे शक हो रहा थोड़ा सा लिखना नहीं है सिर्फ ऐसे कैलकुलेटर में हो जाएगा मान लो पांच लाख और क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन इससे ओपनिंग स्टॉक फाइव रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार रुपया ज्यादा है ठीक हमको क्या और मुझे क्या देना पड़ेगा ओपनिंग दे देता हूँ सुनो ना यार अगर मैं ओपनिंग दे दूं तो क्लोजिंग निकाल लोगे क्या दिया है और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ स्टॉक टर्न ओवर रेशो नहीं <laughs> आप करो। अच्छा यार मैं एवरेज दे दूं तो चल जाएगा क्या अच्छा एक बात बताऊं एक बात बताऊं अभी इसमें मुझे एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना हाँ अगर 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 अगर, अगर। इसलिए मैंने नहीं लिखवाया था अभी सुनो मेरी बात मैं सीयू जी इसको काट रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन जो पहले आता है अगर मैं आपको एवरेज दे दूं एवरेज स्टॉक और एवरेज स्टॉक दे देता हूँ मान लो एक लाख पच्चीस हजार तो क्या आप ओपनिंग निकाल सकते हो बिल्कुल ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग से बीस हजार एवरेज दे दिया एक लाख पच्चीस हजार दो लाख हाँ रुका हूं मैं खेलूंगा अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया सीधा दिख रहा है ना यार बीस हजार डिवाइडेड बाय टू इसी का एवरेज मार लिया तो कितना आ गया दस अब ओपनिंग निकालना की क्लोजिंग ओपनिंग एक पच्चीस में दस कम कर दो क्लोजिंग निकालना है तो एक पच्चीस में दस प्लस कर दो हाँ जी आएगा खैर मैं ये बेकार में छेड़ दिया हम वापस आते हैं पहले फॉर्मूले पहले लिख ले टर्न ओवर डी टी पहले भी पढ़ा हुआ है डिडेड बाय एवरेज स्टॉक एवरेज एटर्स या फिर कैसे निकल सकता है तीन सौ साठ डिवाइडेड बाय एसीपी एसीपी समझते हो ना यार कैसे निकलते चलो एसीपी कैसे निकालते ए को क्या बोलते हैं हम वेलोसिटी और वो कैसे निकालते थे लिखवा देता हूं क्रेडिट सेल्स इनटू अच्छा तो एसीपी निकालने का हम क्रेडिट सेल्स नहीं एवरेज डेटर्स ऊपर लिखते थे क्या याद करो ऐसा एवरेज डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे ऐसा कुछ लिखवाया था कि यार मैंने याद है एवरेज डेटस डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे कोई बात नहीं था। दूसरा लिख लो तीन सौ साठ डिवाइडेड बाई डी टी मतलब यार ये तो आप सर टाइम पास कर दिए इसको इससे डिवाइड कर दिए एक ही तो बात हो। हाँ, रेशो, रेशो मतलब ये डेज में आता जनरली लास्ट और भी टर्न ओवर रेशो हो सकते मैं सारी कहानी नहीं लिखवा रहा हूँ कोई कुछ भी बोलते हम तैयार कोई बस टर्न ओवर बोलते हम ऊपर टर्न ओवर लगा देंगे बस बात कर टर्न ओवर भी तो देखो फॉर्मूला क्या बनाते हैं क्रेडिट परचेस सेल्स की जगह क्या जाएगा परचेस और नीचे क्या आएगा एवरेज क्रेडिटर्स इस पर भी कोई एग्जांपल नहीं करवाऊंगा ऐसा कुछ है कि इसमें याद करना पड़ेगा घर जाकर कुछ या कुछ नहीं करना है भाई टर्न ओवर में तो याद करना ही नहीं है ऊपर टर्न ओवर लगाना बस और क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा ऐसे कौन कौन से रेशो अभी तक पढ़े जिसको को हमको याद करेंट रेशो हो जाएगा लिक्विड रेशो भी हो जाएगा और उसमें कैश रेशो वगैरह आता नहीं है इधर चले

प्रोपराइटरी रेशियो में ऊपर क्या आता है प्रोप्राइटरी फंड एकवधि शेयर कैपिटल रिजर्व और प्रेफरेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट वो एक है आपको याद रखना पड़ सकता है क्योंकि वो भूल सकते हैं उसके अलावा वो तो टाइम तो तो पास है और डेट रेशियो भी काम नहीं आता है आगे चले तो टर्नओवर रेशियो टर्नओवर रेशियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऊपर पूरा टर्नओवर लगाते हैं काम खत्म बस और कौन सा बचा हमारा तीन हो गए लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बस खत्म रेशो चैप्टर ही खत्म हो गए नहीं ब्रेक ब्रेक की जरूरत आपको है मुझे मालूम है एक मिनट में मैं पहचान लेता हूं क्या चल रहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो <laughs> लिखवा तो रहा हूं मुझे भी शर्म आएगी आपको भी शर्म आएगी ये रेशो जनरली परसेंटेज में लिखा जाता है ना पहला जीपी रेशो सीरियसली सर फॉर्मूला लिखो जीपी जीपी मतलब फुल फॉर्म लिखा हूं क्या जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू हंड्रेड फो सेकेंड एनपी रेशो नेट प्रॉफिट रेशो भाई क्या बनेगा नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये लिखवाऊ या फिर समझ जाओगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू हंड्रेड थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड फोर्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर ओ आई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ये पता है ना यार टू हंड्रेड खूब तो यूज किया है इसका हमने

पहले रेशो पढ़ना पहले रेशो पढ़ लेते तो बाकी चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती पर चलो हमने बाकी चैप्टर पढ़ तो अभी हमको याद आ रहा है हाँ यार कैसा प्लीज उसमें और वो बहुत ज्यादा परेशान करते शब्द आता है डिविडेंड पे आउट रेशो डिविडेंड पे आउटो डिविडेंड में पढ़ा है हमने। तो सर, डिविडेंड पे आउट रेशू मतलब किसका ध्यान से पहले समझ लो एक होता है फेस वैल्यू है दस रुपए सौ तो रुपए कर देता हूँ थोड़ा इज्जत के साथ फेस वैल्यू सौ और सर मार्केट प्राइस है मान लो चार सौ पचास और सर ईपीएस है मान लो पचास रुपए अब डिविडेंड पे आउट रेशियो बोला तीन चीजें दिया रहेगा बिल्कुल ध्यान से समझना ये काम आता यहां भी काम आएगा फाइनल में एक शब्द आएगा डिविडेंड पे रेशियो एक शब्द आएगा डिविडेंड यील्ड और एक शब्द आएगा डिविडेंड रेट तीनों अलग अलग है डिविडेंड रेट किस पे कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पर डिविडेंड जहां भी शब्द आएगा यील्ड वो किस पे कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे मार्केट प्राइस पे और डिविडेंड पे आउट रेशियो एपीएस अगर मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलू की साठ परसेंट तो का तो फॉर्मूला क्या बनेगा ये परसेंटेज कैसे निकला डीपीएस अपॉन ईपीएस डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस और डिविडेंड रेट डिवाइडेड तो लिख लेते हैं इसको भी प्यार से डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय इन टू हंड्रेड प्राइज ए, अर्निंग रेशियो टाइम्स में निकलता है ना hmm. बाकी सब परसेंटेज में निकल डिविडेंड ये डीपीएस ये शब्द कभी भी एमपीएस नीचे आएगा टू हंड्रेड आठ डिविडेंड रेट EPS डिवाइडेड बाय एफ पी इन टू हंड्रेड ठीक है सर और एक फॉर्मूला में भूल गया था शब्द आता रिटर्न ऑन इक्विटी 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 मतलब नेटवर्थ तो नीचे तो नेटवर्थ आ जाएगा नेटवर्थ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना कमा रहा है ऊपर क्या है? अर्निंग्स फिर जो भी आप बोलते हैं। जो भी आप बोलते <laughs> तो चैप्टर हमारा खत्म हुआ मैंने तो पहले ही बोला अब आश्चर्य की बात है कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा हालांकि वो भी आपसे बन जाएंगे पर फिर फीस देने का क्या मतलब एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं और उसके बाद प्यार से यहां मैं यहां बैठा रहूंगा आप करते रहोगे मैं देखता हूं तो अभी ब्रेक है आज की क्लास में कम से कम दो क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ठीक कितने मिनट का दस मिनट बाहर घूम के आ जाओगे बाहर मतलब छत पे <laughs>